हाँ जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू जी, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद अब्बास जी हमेशा तरह हाजिर हैं। जैसे आप चक की बस्ती दिखाने लगे हैं, इस तो पहले सारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट किया करो, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई कमेंट किया करो, ताकि जरा सू अंदाजा हो पता लगे भी साम किस तरह है पिया। तो दूसरे नंबर मेहरबानी की करो वीडियो पूरी वेखी करो, ताकि जरा कोई गल का पता लगे मोटापा का जी। तो अज असं अपनी पिंड की मस्जिद उसकी वीडियो बनाने लगे हैं जी। इन शाह मस्जिद साड़ी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी मेहनत हुई है, चाकल मुहब्त ने जी बड़ी मेहनत की हुई है, तो बड़ी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। इस टाइम जो कारी साहब साढ़े को पे वो बड़ी मेहनती हैं पे जी, तो वो जरा ना काफ़ी तादाद है बच्चे पढ़ते हैं, तो भी दिखावे इन शाला पूरी मस्जिद भी दिखावे। आ जाओ अगे आ जाओ इन शाला जरा ना जी, जिस तरह वेखते पे हो जी माशाल्लाह काफ़ी तादाद है बच्चे पढ़ते हैं साढ़े को जी। सारे कारी साहब बड़े मेहनती बंदे ने जी, बहुत प्यार मुहब्बत न पढ़ाते हैं। तकरीबन पूरे चक के बच्चे जो अगे पिछे पढ़ते हैं वो भी तकरीबन जो सारे चक ही आ गए हैं, बड़ी मेहनत कराते हैं, बड़ी तादाद है बच्चे की माशाल्लाह। अगे भी कुछ बच्चे ने जो चलते गए जिन्हें स्कूल जाना है ना, दूर स्कूल जाना होंगे चक तो बाहर, उन्होंने तैयारी करनी होती है, इस वास्ते जल्दी जरा चलते गए। बाकी बच्चे अगर पढ़ते बैठे हैं तो इन शाला आ जाओ अगे आ जाओ आ जाओ अगे आ जाओ अनिल भाई अगे आ जाओ। जिस तरह के तुम वेखते पे हो जी माशाल्लाह जरा पढ़ो भाई पढ़ो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह वेखते पे काफ़ी मेहनत करा रहे हैं तो बच्चे माशाल्लाह इतने हाफजा भी करा रहे हैं। इस दफा भी माह रमजान के 27 जून तकरीबन जी मेरे ख्याल 3-4 बच्चे ने जरा ना हाफजा मुकम्मल किया है, तो उन्होंने जरा ना पगड़ी वगैरह पहनाई गई है 27 माह रमजान में, तो हम जरा ना इंशाल्लाह जरा कारी साहब ने जाने बाकी फिर मस्जिद का दीदार करे सो जी। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम सर जी, थोड़े रस्ता दसो एक तो सर जी मैं कहना सर जी क्या हाल है, खरीयत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप सुना जी खरीयत है जी? ठीक ठाक है जी, दिल आया जी बस अपने का जरा ना दिखाने वास्ते। माशाल्लाह काफ़ी तादाद है बच्चे पढ़ते हैं, तो ये मेहनत ने जी मैं अगर दसिया भी कारी साहब की इतनी मेहनत ने जो बच्चे चक तो बाहर पढ़ते हैं वो भी माशाल्लाह चक के जा गए हैं काफ़ी तादाद है जी। कितने बच्चे फारे पड़े इस बार हाफ़िज़े कुरान दे जी? सारे को तकरीबन जो मुकम्मल कर गए हैं जी, वो 18 चक के बच्चे माशाल्लाह जी जी, एक मोहम्मद सैन है जी, मोहम्मद हाफिज माशाल्लाह मुसल्लल पर जी जी, मोहम्मद वसीम माशाल्लाह बच्चे माशाल्लाह जी, बाकी तकरीबन सब को उम्र की बच्चे हैं पैदा है खुद ही क्लास माशाल्लाह माशाल्लाह। कारी साहब साहब को 2-250 बच्चा है तकरीबन 200 लगभग नाज़िम माशाल्लाह, और सारे को अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल निजाम हो गया माशाल्लाह, जिस विच एक डिसिप्लिन 5 वक्त की हाजिरी बच्चों की नमाज दी जी जी, और सेकंड टाइम क्लास बकायदा कुछ दीनी मसाइल बच्चे समझाए जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, नमाज रोजा नमा अपना नमाज जनाजा गुस्ल तजहीज टोटल मसाइल जो होनी फराइज उलूम जेड़े हैं ना। सुबह तकरीबन कितने कितने टाइम बच्चे पढ़ते हैं जी? सुबह नमाज फजर तो लेके स्कूल टाइम तक स्कूल टाइम तक पढ़ते हैं, फिर सेकंड टाइम शामी जी शाम की नाजे की क्लास है, मगरब तो लकीशा तिकर है जी जी, इफ्त वाले क्लास है रात 10 बजे तिकर ठीक है जी। वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 3:30 तो शुरू होते हैं जी जी, तो सारा दिन और फिर रात 10 बजे छुट्टी होती है। इस टाइम तकरीबन कितने बच्चे हाफजा कर रहे हैं जी? तकरीबन 15-20 बच्चे हैं माशाल्लाह, मुसाफिर तलबा भी हैं रिहायशी भी हैं माशाल्लाह, मस्जिद और चक के तामन माशाल्लाह चक वाले दोस्त ने चक का तामन चाह रहे हैं ना, जो बाहर के बच्चे ने इंशाल्लाह कारी साहब और को घर खाना खाते हैं घर खाना खाते हैं, अपनी जात ने तौफीक दी है जी माशाल्लाह, जात ने और हिम्मत दे जी माशाल्लाह, चक का पूरा तामन कर रहे हैं कारी साहब की बड़ी मेहनत ने जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे दिखाओ ना जरा एक बार बच्चे का तादाद दिखाओ ना, फिर बाकी के राउंड कराने हैं जी। और उस्ताद जी कोई मुतालबा हो जो सारे तवसत ना तो चक का ना करना चाहो जी? ना मुतालबा कोई नहीं, हमने बस यही है कि पैगाम हो पैगाम ने जो दोस्त बच्चे अज तक नहीं मस्जिद जाते जी जी, और उन्होंने यह आसना आखना चाहूँ भी वो अपने बच्चों पर खसूस तवज्जो दे ठीक है, ताकि वो भी इस चश्मे तो जो फैज याफ्ता हूँ सैराब हो ठीक है, बच्चे भी पीछे ना रह सकन जी जी माशा, वो भी ताकि दीन को अच्छी तरह समझन सीखन जी, ताकि वालिदैन वास्ते जरिया है निजात बन जी। हुन सारे तो थोड़े तकलीफ करो सारे, ताकि मस्जिद मुख्तलिफ जगह ते दसे सो भई दर्स गाए जो को जी है, थोड़ी तकलीफ करो सारे नाल आवन से, ते फिर तो शुरू करने है दर्स मदरसे जो, ते फिर अगा आवन जे सारे अगु चल के अगु चल के अगे हो जाओ पीछे बैक जा के माशाल्लाह जी, इतनी तादाद है कदे भी बच्चे जड़ा नहीं है तकरीबन 36 तक की तारीख तो लोग 10 दिन जी 10 दिन बिल्कुल अल्लाह का एहसान है इस तरह, और
ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਮੁਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏ ਵਿੱਚ 10 10 12 12 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਸਿਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਲਮ-ਏ-ਦੀਨ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮੁਤਾਲਾਗਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਾਗਾ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ ਸਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇਤ ਬੈਠ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈ ਸਭ ਦਿਨੀ ਕੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਨੀ ਕੁਤਬਨ ਪਈਆਂ ਐ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਮਲ ਦਿਖਾ ਨਾ ਖਾਦਮ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਖੋਲੋ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਨਾ ਤੱਕ ਮੁਕਮਲ ਪੂਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਤਨੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਕਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਇਤਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ जितनी तारीफ की उतनी कम है बस इंशाअल्लाह इतने प्रोग्राम में होने एसी लगवाण दो साथ और उन्होंने एसी लगवा के देना इंशाअल्लाह जड़ा ना क्योंकि सोलर सिस्टम साडा ऑन हो गई है तकरीबन आन करीब ही जड़ा ना ते इमरान आप सरकार फटने कर सकते ते ए जी साडी मस्जिद है माशाल्लाह सीएन काफी है बड़ी माशाल्लाह वसी और ये मस्जिद है ना जी सीएन इत्तो दिखाई इस तरीका इथे आ बड़ी दोस्तों ने तामन किया जी उन्होंने वाले साहब तरफों इस साले सवाब की गर्ज ना दिता गया जी जी ए जड़ा सीन है मस्जिद दा जी और उन्होंने अल्लाह दी रज़ा वक्फ की थी मस्जिद वास्ते माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्होंने वाले दी कब्र ते जी ए जगह मिलन नाल ना माशाल्लाह बस एक तो लोकेशन बड़ी जबरदस्त हो गई है ते नासीन बड़ा खुला हो गई जी जी ना तो पहले इसी परेशानी वास्ते डबल स्टोरी बनाई है ताकि तादाद पूरी हो सके जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुन सर कोई इतनी जगह मौजूद है पे साडा सीएन भी जड़ा ना ਬਥੇਰਾ ਹੋਰ ਆਂਦੇ ਉਤਲੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਰਾਮਨ ਉਤਲੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾਵਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਸਗਾ ਜੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਫਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਮੁਕਮਲ ਮਦਰਸਾ ਵੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾ ਬੂ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਥੇ ਬਣੇ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵਕਫ ਹੈ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਭੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੇ ਫੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਖਾਵਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਬਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਹائش ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਤਿੰਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਨ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੱਕਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਲਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੀਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਲਹਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਉਸਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਣੇ ਮਸਜਿਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਕ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਡੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਦੋ ਡੱਬੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਛੱਤ ਸਪੀਕਰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
तो यूपीएस वगैरह का सिस्टम ही है ताकि दैट ना हो फिर भी कोई परेशानी ना बने। वैसे तो असं सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दिए लेकिन अजे एक्टिव नहीं होया, जो एक्टिव होया भरावन उनका भी इंतजार करावे। तो जिस तरह वेखते पे कुरान पाक मौजूद ने, सारी इस्लामी किताबें मौजूद ने। तो या इमरान भाई इतने इन्हें खुला सो इंदी है ना? नहीं नहीं ताला लग गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये मिंबर पाक हो गया जी, आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े को बकायदा एक दरस कुरान का सिलसिला भी है माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज बाद बकायदा तौर पे एक तरीके नाल यानी के आयत ब आयत जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह सूरह फातिहा तो से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह या सुबह दरसगाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज साड़ी सूरह तौबा शरीफ जड़ी है जी जी ओ दी आखिरी आयत मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। असि बड़े खुशकिस्मत आए जी, बहुत ही खुशकिस्मत है। जितना अपने आप खुश नसीब आखिर उतरे काम है सामने इतने माशाल्लाह जबरदस्त आवले मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब को परेशानी नहीं होती, कोई मसला मसायल होता सारा इतने ही मसला हल हो जाता, सब इतने मिल जाते सर। या जिस तरह सीएम सारा दिखा दियो फिर उत्ते तकरीबन सारे पक्के मौजूद है। हुण असीं जो सोलर सिस्टम लाए हो तो इंशाल्लाह इत्थे एसी दा बंदोबस्त भी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर को सारी जड़ा सहूलत मौजूद हैं, तो जितनी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग इबादत वास्ते आवन तो उन्होंने सुकून मिल जाए जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी साढ़े इरादा है मस्जिद में इंशाल्लाह एसी कराउण दा माशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जो मैं दस्सा पिया मेरा अमन भाई असीं इंस्टॉल करा दिए सोलर सिस्टम भी इंशाल्लाह एसी करावे। ये बच्चे ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਹਿائش ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿائش ਰਾਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਪੜਾ ਥਿਕੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਬੈਠ ਉੱਠਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਰਹਿائش ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਛੋੜਿਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਜੀ ਆਓ ਬੈ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਬਕ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਸੁਣ सेकंड फ्लोर ही लाए जाने जी जी सेकंड फ्लोर मैं कौन चलने जिस तरह उत्तर दिखा ना सोलर सिस्टम थले इंस्टॉल है तो लेकिन उन्होंने जो जन मुकम्मल नहीं होया मुकम्मल करना जी इंशाल्लाह सब सुनो तो सर जी आ जाओ ते सीढ़ी ने जोड़ने से सेकंड फ्लोर वास्ते जा रहे हैं जी बकायदा दरवाजा लग गया है सेफ्टी वास्ते जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेफ बंद है भैया जी निजाम अल्हम्दुलिल्लाह एको दरवाजा तो एंटर हो सकते और कोई दरवाजा नहीं है ताकि मस्जिद का कोई नुकसान ना हो। तकरीबन जगह छोड़ी हुई है तो स्टोर स्टोर रूम है जी असर सैकंड फ्लोर से आ गए तो सैकंड फ्लोर है जी साढ़ा जिस तरह वेखते पे अल्हम्दुलिल्लाह जरा किसी किस्म की कोई कमी नहीं जी अगर कमी है तो सिर्फ पक्षों की तादाद है जरा इतने लाने लगे हुई है जो जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि जो दरवाजा कम ही जरा ना उत्ते तकरीबन आ भी जाए क्योंकि तादाद थले भी काफ़ी सब कोई जगह ना सी एन जी काफ़ी तादाद उत्थे पूरी हो जाती है दस बंदोबस्त की तो है गर्मी वास्ते होते जा तंबू दा ईद नमाज वास्ते यानी अगर इतनी जरूरत पवे जी जी तो बेहतरीन साडा इंतजाम है। इस तरह या और को दुख सुख हो इंदा ते फिर भी जड़ा ना मकसद इस्तेमाल जा सके इस्तेमाल जा सके इस तरह ते अल्हम्दुलिल्लाह रियल साडे को काफी फालतू مقدار موجود ہے الحمدللہ جی تے یہ منبر دے اوتلے جگہ جی جتھے کر کے ماشاءاللہ بھی پوری لکڑی دی بنی ہوئی ہے پوری خوبصورت ڈیزائن ہی بنی ہوئی ہے جی تے तो बड़ी मजबूत है माशाल्लाह बड़ी मजबूत है। इस तरह तो बहुत खूबसूरत है जो गिरिल्ला बनाते हैं बड़ी हल्की बनाते हैं ये तो माशाल्लाह काफ़ी चेर मौजूद है तो बड़ी अच्छी लकड़ अच्छी लकड़ है। मिंबर दिखा दियो भाई आ जाओ सर अगे आ जाओ इस साइड दिखा दें परदे आख दें नहीं अगर नहीं जाता जी बस इतों कदों के माड़े जी नज़ारा बाहर तक करा छोड़ घर बचा के उधर दिखाने हैं जना अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े खुश नसीब हैं जी। ये जामिया मस्जिद है साडा नंबर पूरे इलाके दे विच वसी पैमाने दे सम कम हो रहे हैं इंशाल्लाह ठीक है। वो साडा दावा है कि सानू कोई भी आके चेक करे और बच्चे को कुरान सुने मसाइल जी पूछे जी जी और साडी चाहत है कि पूरे इलाके दे उलमा भी इसी तरह कम करन अल्हम्दुलिल्लाह साडी ख्वाहिश है बिल्कुल अल्लाह ताला सारे उलमा नु इखलास नसीब फरमाए जी जी और अल्लाह पाक और बिल्कुल एक दूसरे से कंप्रोमाइज ना चाह रहे हैं उत्थे करके पहले दिन दो एग्रीमेंट होया सिर्फ मस्जिद नमाज़ होनी है बाकी जुम्मा हो गया ईद नमाज हो गई
बाकी जितने वड़े जो मसाइल पे टोटल इस मस्जिद जामिया मस्जिद अल नूर जामिया मस्जिद 136 रब जो भी इस जड़ा ना हल किते वंदर पूरे चक दे इत्तेफाक है इंशाल्लाह ते जदो भी किसी काम दी जरूरत पौंदी है महाराज जी मैं जड़ा ने इशारा करदे नु साथ और दा तकरीबन लड़ा है जी अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ी चीज है हर बिराज कोशिश होंदी वद चढ़ के जड़ा हिस्सा लेंदा ते बादशाह बड़ा जल्दी इंतजाम होए दा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चक ते बड़ा इत्तेफाक है बड़ा सुकून है पिया ते खास कर मस्जिद दे मामले विच ते जड़ा ना कोई वैसे भी बुजुर्ग फरमांदे ने जिस इलाके दे मस्जिद आबाद होवे जी जी ते ओदे सदके ने अल्लाह ताला पूरे इलाके नु आबाद बिल्कुल सदर साहब साहब दे साडी वड्डी जेड़े खुश किस्मत ने अल्लाह अब्दुल्ला बड़ा रूह खुश होंदा बे सानू जेड़ा उस्ताद साहब वरगे आला मिलदे ने ते अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा ना कोई कमी नहीं है ते साडे बच्चे जी कोई रेड़ पैन को पढ़ पैन पढ़न वास्ते ना कोई जेड़ा ना मकसद कुछ पारे अगे चल पए ने बड़े माशाल्लाह बच्चे काफी तादाद च बच्चे कुरान पाक मुकम्मल होने वाला है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद बड़ी सारी खुशकिस्मती है जी सारी बड़ी खुशकिस्मती है जी ते उसा जी जरी तुसी अपना थोड़ा तारफ पूरा करा छोड़ो सो ताकि भाई नु पता लगे जी की नाम है थोड़ा सा मेरा नाम जी करी सैयद अहमद चिश्ती ठीक है जी खानवाल दे असल बेसिक रहائش है मेरी खानवाल सिटी दे जी जी खानवाल सिटी शाही ब्लॉक फेस 2 दे विच सारा अपना ठीक है जी ठीक है माशाल्लाह ते मैं मेरे उस्ताद दा नाम है अलमा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब ठीक है जी माशाल्लाह खानवाल शहर वो भी शहर दे पे जी ठीक हो गया मरकजी ईदगाह जामे उलूम तो से अल्हम्दुलिल्लाह कितने देर हो गए सर जी इथे तो आए नु इथे तकरीबन मेनू 2 साल होने वाले हैं पे जी पहले अस आया से 5 महीने रहे जी जी ते बस वो कोई दिल ना लगया ते जिस वजह से फिर हिजरत करके वापस ये बिल्कुल सही लेकिन फिर चक वाले ने मोहब्बत ने दोबारा खींच आई है दोनों हमारे फिर साथी गए जी बल्कि मोहब्बत के दसो पे चक का दिल माशाल्लाह बड़े इत्तेफाक रख जाके ना बार बार उस्ताद रखो गए तो उस्ताद रों दी शफकत पे जड़ा ना मान गए उस्ताद रों तशरीफ लाया है ते जड़ा है मकसद खसूसी जड़ा ना जी सवारे समझ लो बस किसी खसूसी चक का दिल सवारे थे यार जी अल्हम्दुलिल्लाह जी फजल है जी ते दुआ करो अल्लाह ताला चमन इसी तरह इस गुलशन महकदा रखे महकदा रखे आबाद रखे जी ते अल्हम्दुलिल्लाह जी सब तो वड्डी गल होंदी मुसलमान दे जे घर दे जेड़ा ना पहचान होंदी पूरे चक ते रहमत फरमाए जी जी इस तरह जी ते बाकी आउन वापसी च बैठे सारे उत दिखाना जरा तारा ए तंबू दा सिस्टम है जी ते उत तनु दस रहे हां भाई जिस तरह बड़ा वसी इंजाम है जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है इतों तक है जो जुते स्टैंड बनाए वो भी तकरीबन जितने निमाजी भी आज तो कोई जगह नहीं बचती जो मकसद है कोई जुतियों वास्ते रह जगह है जिस तरह वेखते तबियत लगे हुए गर्मी वास्ते साए वास्ते बारिश वास्ते जी कोई जो मौसम असर मसाल बनता या जो अभी जुम्मा है पिया जुम्मे जिस टाइम जो गर्मी का टाइम आता फिर इन खोल दिता जाता है तकरीबन पूरे साया बन जाता ते नमाज़ दी तादाद भी सिर्फ साढ़े पिंड भी नहीं बाहर दूर दराज के लोग भी जुम्मा पढ़ने वास्ते आते हैं कारी साहब को भी जो मुहब्बत लै के आते उन्होंने ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ते इंशाल्लाह जरा लोकेशन दिखा पीछे करके मस्जिद पूरी जी डबल फ्लोरी है माशाल्लाह पूरी टाइल लगी हुई है किसी किस्म की खताती है कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जी ते बड़े अल्लाह पाक दे नाम है जी जी एक सर ते आका अलैहि सलातो सलाम दे समाई ग्रामी है माशाल्लाह माशाल्लाह जिन्ने नार में नाम अल्लाह पाक दे हो गए नबी कारीगर ने बनाई अल्लाह पाक ओदी उम्र अगर जिंदा है तो बरकतां फरमावे आमीन आमीन रहमतां फरमाए बल्कि बड़े बहुत हो गए उस्ताद बशीर और ये तो सा नजीर और रिसो दा डब्ल्यू बी ध्यान पे अल्लाह ताला उन्हें कब्र ते रहमत अल्लाह की फरमाए आमीन आमीन और दुआ करो भी अल्लाह ताला ने बच्चे नु जड़ा ना दीन मतीन दा सच्चा पक्का खादिम बनाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक बनाए जी साडा ये ख्वाहिश ज्यादा है साडा पूरे चक दा माहौल जड़ा ना दीन ही होए जी जी इंशाल्लाह अगर साडे बच्चे जड़ा ना अल्हम्दुलिल्लाह साडे बच्चे कुछ सिर तो नंगा नजर आस बिल्कुल इस तरह सा जी मैं तुम्हें अपनी गल दसा ना मैं जुम्मे जुम्मे घर जा भी देना नवे चौक सैड दे जो तो वापसी आ भी देना तो टोपी तो मौजूद नहीं होती क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं उधर घर जाते हैं वापसी जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तरबियत है बच्चे गड्डी तो बाहर नहीं निकलते पे साढ़े को टोपी कोई नहीं और फिर मजबूरी तो या तो मैं अपनी टोपी देनी पैंती उन्होंने तो या फिर जरा ना वह मैंने खुद जाके गेट खोलना पौधा है वो मकसद है भाई इतनी उस्ताद तरबियत है तो कोई बच्चा बगैर नंगे सिर चाके च नहीं फिरता चाहे छोटा बच्चा ही क्यों नहीं उन्हें इतना जरूर खौफ होता भी कि उस्ताद ने वेख लिया या किसी बच्चे ने वेख लिया शिकायत कर दी तो जरा ना नाराजगी बननी है तो इस वास्ते जरा ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरबियत है तो मजीद भी इंशाल्लाह मिलाते रहा सूँ अगर वीडियो तो सोलर इंस्टॉल की तो है वो मुकम्मल कर दा भी उन्हें भी तो दिखावा दे साड़ी बकायदा होंगे उस बज़्म अदब दा इंशाल्लाह जरा हाँ बज़्म अदब जड़े यार एतवार एतवार होंगी जी इंशाल्लाह बिरामा में जरा बज़्म अदब भी दिखावा दे एतवार वे दिन जी इंशाल्लाह मजीद दोस्ता जी तुसा टाइम दिता बच्चों का टाइम ही थोड़े असी बह दिया तो सर जी बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला तुहानू अजर अज़ीम देवे अल्लाह ताला तुहानू इस तरह जरा दे।